क्या हुआ, फिर से याद में बैठने की इच्छा है क्या? हाँ जी, ऐसा कौन सा बल देते हैं? जी आप अपनी शादी में ऐसा कौन सा बल देते हैं क्रिमिनल आई बदल कर तुरंत सबकी एक साथ नहीं बन जाएगी? जैसे एक खरबूजा पकता है, वो पहले पहले पकता है। पेड़ में कोई फल पकता है तो पहले पहले पकता है, और पके हुए फलों को उनमें एक फल सड़ा हुआ रख दो तो सब सड़ने लग पड़ते हैं। ऐसे ही एक जब आगे बढ़ता है और उसका प्रभाव संसार में देखा जाता है तो दूसरों को भी इच्छा होती है हम भी आगे बढ़े। पहले आगे बढ़ने वालों की संख्या कम होती है और बाद में धीरे धीरे मल्टीप्लाई होता रहता है। ऐसे नहीं चुटकी बजाते एकदम हो जाता है। कौन सी बहन का? निमित्त बहन का नाम क्या? किसकी तरफ देखना शुरू कर दिया? पता किससे लगाएंगे? अरे बोलते तो जाओ, पता किससे लगाएंगे? अरे नाम तो बता दो। अच्छा, भाई के पास नहीं आया, माता के पास आया। कौन सी माता के पास? नाम नहीं मालूम, फोन आया, आपने पहचान भी लिया, पक्का भी कर लिया। हाँ, क्या फोन आया? मार्शल्ला लगने वाला। और बाबा ने ये कहा जो मुरली में कहा, तो शायद भूल गए होंगे। बाबा ने कहा सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई है, हैं? अरे बैठो नहीं। तो बाबा की बात सच्ची है, माता की बात सच्ची, जिसका नाम भी नहीं मालूम आपको, आवाज भी पता नहीं, तो बाबा की बात भूल जाती है। अभी याद रखना, सुनी सुनाई बातों से अफवाहों के ऊपर नहीं जाना। और गुरु बुलाए कुल्ला दुख देना ना दुख देना। हाँ, मतलब हम तो किसी को दुख नहीं देते। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल देवता बन गए। एक दुर्योधन था शास्त्रों में, उसकी टेंडेंसी ये थी कि वो दूसरों को दुख देता था, वो उसे पता ही नहीं चलता मैंने क्या किया किस। और दूसरा अगर उसको थोड़ी सी भी बात कह दे तो इतना अपमान, इतना अहंकार, इतना फील करता था, वो सारे जीवन नहीं फीलता था। तो ऐसा ही तो नहीं है कहीं, हैं? ऐसे भी होता है कि दूसरों का थोड़ा सा दिया हुआ दुख अपने को बहुत भासता रहता है, और अपना दिया हुआ दुख ध्यान में ही नहीं आता कि हम किसी को दुख दे रहे थे। और वो भी ये बात पुरुष लोग कहें कि हम तो किसी को दुख नहीं देते, लेकिन दूसरे हमको बहुत दुख देते हैं। तो पुरुषों की कही हुई बात मान लेनी चाहिए क्या? बोलो। क्योंकि बाबा ने कहा पुरुष तो सब दुर्योधन दुशासन, नहीं नहीं उसमें हमारी भी लिस्ट आ जाती है। तो ये बात मान लेनी चाहिए। कोई माता कहती तब तो ठीक भी था, अपने अंदर टटोल के देखना है कि हम दूसरों को दुख देते हैं या नहीं देते हैं। दूसरों को दुख देना तब ही बंद होगा जब हमारे अंदर से देह भान निकल जाएगा। देह अभिमान, कोई भी प्रकार का देह अभिमान क्यों न हो, मुरली में बोला है दूसरों को अपमान जरूर करेगा,
और अपमान से दूसरों को दुख जरूर होगा। और डेड साइलेंस, स्वीट साइलेंस, स्वीट साइलेंस वो है जिसमें सिर्फ आत्मिक स्मृति रहती है। डेड साइलेंस वो है जिसमें सन्यासी लोग चले जाते हैं निल में। और कर्मातीत अवस्था वो है, कोई भी कर्म करें तो बंदूक लेकर के सारों को खत्म कर दें और उसके ऊपर पाप न चढ़े, कर्म से अतीत हो जाए, वो हो गई कर्मातीत अवस्था। पाप पुण्य का कोई जोखा जोखा नहीं बन सकता। और इसलिए गीता में कहा है कि स्वरूप निष्ठ व्यक्ति सारी दुनिया का हत्या कर दे तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं चढ़ेगा। उसको स्वरूप निष्ठ कहे या कर्मातीत अवस्था वाला कहे। उसकी खुशी में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और खड़े होना, दूसरा है चलना, दौड़ना, उड़ना, हाई जंप लगाना है। हाई जंप लगाना, हाई जंप लगाना, जैसे शंकर जी भगवान पहले पैदल चलते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, भस्मासुर पीछे पीछे भागता रहता है, तो जब देखते हैं कि अब नहीं सुधरता है, अब नहीं होगा, तो आखिरी में हाई जंप लगा देते। जब हाई जंप लगाते हैं तो विजयी हो जाते हैं। हाई जंप लगाना, बैल के ऊपर सवारी करते हैं तो क्या करते हैं? हाई जंप लगाते हैं। बैल कौन है? ब्रह्मा सो क्या बनता है? हाँ, जब हाई जंप लगाते हैं तभी ब्रह्मा सो विष्णु बन जाता है। और विष पीते हुए क्यों दिखाते हैं? इसमें किसी में दम नहीं है तो उन्होंने कहा हम ही पी ले, क्योंकि आप तो सब डरते हैं विष पिएंगे तो मर जाएंगे, और वो तो समझते हैं हम तो मरने वाले हैं नहीं, ना हम पैदा होते हैं और ना हम मरते हैं, इसलिए उन्होंने उठाया और पी लिया। बच्चे कुछ आगे पूछ लिया करो, हैं? समझ में आ गई बात? क्या समझ में आया? नहीं आया? आया तो ठीक है। राम वाली आत्मा के लिए 76 में वो चौथा आयाम होता है या फिर राम वाली आत्मा क्या नरसे नारायण बन जाती है? 77 में जन्म होता है, संपूर्ण बन जाती है, कंचन काया बन जाती है, बनती है, हैं? आत्मा कंचन बन जाती है। आत्मा कंचन की बनने की निशानी है कि जो भी आत्मा सामने आवेगी वो कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसी पावर संक्षेत्र में कहे नहीं तो संपन्नता वर्ष कहा गया ना 77 को। संपन्नता वर्ष बेसिकली बेसिक पढ़ाई के आधार पर कहा गया। बेसिक पढ़ाई पूरी हुई थी 77 में या कि एडवांस पढ़ाई पूरी हुई थी? बेसिक पढ़ाई पूरी हुई, उस आधार पर संपन्नता वर्ष 77 को मनाया गया। बाबा ऐसे करते जो पहला आयाम कहेंगे तो चौथा 18 तक होता है। जैसे बेसिक नॉलेज के भी सोपान होते हैं, कक्षा 1
कक्षा दो, कक्षा तीन, कक्षा चार, पाँच, ऐसे ही एडवांस नॉलेज के हायर क्लासेस के भी सोपान होते हैं। जम दे कोई नहीं बनता, टाइम लगता है। ये ड्रामा जू मिशन चलता रहता है। और सिविलाइज बनने के लिए सीमत पर विशेष अटेंशन देना होगा। आंखें अगर सिविलाइज बन जाएं, तो और क्या चाहिए? सबसे ज्यादा सेंसिटिव अंग कौन सा है? सबसे जास्ती सेंसिटिव अंग कौन सा है? आंखें अगर सिविल बन जाएं, तो समझो देवता बन गया। आंखों के लिए ही कहा गया है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो मनुष्य की दृष्टि तो मनुष्य जैसी होगी, क्योंकि वो तो मन वाला प्राणी है। अपने मन को ही कंट्रोल में नहीं कर पाया तो मनुष्य कहा गया। मन को अमन जो बना ले वो देवता हुआ। देवताओं को कोई चीज की इच्छा करने की जरूरत नहीं, सब कुछ अपने आप मुहैया होता रहता है। इच्छा मात्रम अविद्या। तो ये तरीका हो गया, हमें कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। जरूर सिविलाई बनेंगे। और लेकिन बाबा आंख में, आंख को इनकी कंट्रोल कर ले, अरे को आंख मां के रूप में देख, और इसमें यानी बाबा से दृष्टि देते हैं वाले, ये कादर हो जाता तो आंख है झपकी के वाला, आंख है भक्त हो जाते हैं। ज्यादा मेहनत करेंगे तो झपकी नहीं आएगी है? थोड़े हाँ, तो थोड़े 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 सब भिखारी बनते होंगे, कई आंख से भिखारी बनते होंगे, कई कानों से भिखारी बनते होंगे, कई मुख से भिखारी बनते होंगे, कई भ्रष्ट कर्मेंद्रियों से भिखारी बनते होंगे। तो थकान पैदा नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? फिर थकान पैदा होगी तो नींद भी आएगी। एक चित्त नहीं होती यहाँ पे, एक चित्त नहीं होती। अब नंबर वार है ना सब, एक जैसे तो नहीं है कि नंबर वार नहीं है? नंबर वार, हाँ जी बाबा। भक्ति मार्ग में बताया गया है मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं, और गोबर जी गणेश क्यों बनाते हैं? गणेश जी जो है उनकी पैदाइश गोबर से होती है। क्या गऊ किसे कहते हैं? गऊ कहते हैं जो गाय जैसे स्वभाव वाली हो, माने कन्याएं माताएं सब हैं गऊ, और उनका वर गौवर, माना जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कन्याओं माताओं के संकल्पों में से भावना निकलती है वो ही वास्तव में गोबर है। भावना के आधार पर जब देखें तो पुरुषों में ज्यादा श्रेष्ठ भावना होती है या कन्याओं माताओं में ज्यादा श्रेष्ठ भावना होती है? इसलिए गणेश जी की पैदाइश पुरुषों से हुई है या कन्याओं माताओं से हुई है? कौन सी कन्या माता थी? पार्वती। पार्वती के मैल से पैदा हुआ। ये चट्टी पेशाब है, ये भी मैल है ना शरीर का, शरीर का जो किचड़ा है
वो ही मैल कहा जाता है। और सालिम मने सगीर बुद्धि, एक होता है नाबालिग, एक होता है बालिग। बालिग माने सगीर, परिपक्व बुद्धि हो जाए, जिसकी अकल की धार निकल आती है तो कहते हैं पक्का बुद्धि हो गया। और मुर्गी ने बोला है, हाथ उठा दे तो उधर पहुंच जाए। मुर्गी ने बोला है 2018 में तीनों आत्मा हैं, तीनों मूर्तियां संपन्न हो जाएंगी। तीनों मूर्तियां कौन कौन? ब्रह्मा विष्णु शंकर। ठीक है, तो पहले प्रत्यक्षता किसकी हुई? पहले पहचान एडवांस पार्टी को कौन सी मूर्तियों की हुई? नहीं, अकेला क्या ना बाहर नहीं फोड़ता, जब शिव बाप आते हैं तो भी अकेले नहीं आते, तीन मूर्तियों के साथ आते हैं, लेकिन उस समय प्रत्यक्षता नहीं हुई, लेकिन पहले पहले तीन मूर्तियों की प्रत्यक्षता होती है। तो जिन मूर्तियों की प्रत्यक्षता होती है वो ही मूर्तियां सन 18 में संपन्न भी पहले होती है, संपन्न होती है। फिर बोला है सन 1111 लिखा जा रहा है, ठीक बात है। तो दूसरी मूर्ति में सन 2036 में फिर सन 1111 लिखा जा रहा है। नहीं, सन जब 2036 होगा तो दिन गुनने की जरूरत रहेगी? नहीं, फिर वहां तो सुखी सुख हो जाता है। दिन तो आदमी तब गिनता है जब दुख का टाइम होता है, तो कहते हैं दिन गिन रहे हैं। 2036 के बाद तो कंप्लीट सचिव हो जाएगा, दिन गिनने की बात ही नहीं, हिस्ट्री बनाने की बात ही नहीं, फिर 2500 साल के बाद दिन गिनना शुरू करेंगे। इसलिए 2500 साल की हिस्ट्री हमारे पास मौजूद है, एक एक दिन करके लोगों ने 2500 साल बना लिया। और बाबा भक्ति मार्ग बताते हैं कि देवियों की सवारी शेर की है, और देवियों की जो सवारी है ना वो भी शेर की बताइए, और सब देवियों की सवारी शेर की नहीं, और कोई कोई देवियों की, और शंकर जी को भी यानी मृगशाला शेर की बताइए भक्ति मार्ग। हाँ, उसका क्या रहे? मृगशाला तो मरे हुए की खाल होती है, शेर तो जिंदा होता है। वैसे भी शंकर जी मरघटा पसंद करते हैं या जिंदे आदमियों की जो शहर है वो पसंद करते हैं? मरघटा पसंद करते हैं, तो उनको तो मरे हुए शेर की खाल दिखाते हैं। और देवियों को सब सवारी दिखाते हैं, देवियों को शेर की सवारी। हाँ, तो देवियों ने प्रैक्टिकल में चैतन्य शेरों के ऊपर सवारी की होगी, जो शेर किसी के कंट्रोल में नहीं आता, जो जंगल का राजा शेर कोई के भी कंट्रोल में नहीं आता वो देवी के कंट्रोल में आ जाता है। और बाबा जैसे सरवन को बताते हैं कि माता पिता अंधे रहने या मृत से तीरथ कराए, तो वो कौन सी बात हुई है? ओहो, बुद्धि रुकी है, किस समय की बात? बुद्धि को एकाग्र कर लो, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, हर बात पहले शिव बाबा के ऊपर लागू करो। शिव बाबा जिस तन में आते हैं, राम वाली आत्मा के तन में, तो तन में आने से पहले वो आत्मा बेसिक ज्ञान में आती है या नहीं आती है? बेसिक ज्ञान में आती है। जब बेसिक ज्ञान में आती है शुरू शुरू में, तो वो बेसिक ज्ञान में अपना माता पिता कोई को मानती है या नहीं मानती है? कौन? ब्रह्मा और आदि माता और आदि पिता, आदि माता आदि पिता को मानती, वो जानती भी नहीं है। बेसिक में, बेसिक में आने मात्र से ही एडवांस ज्ञान आ जाता है क्या? ब्रह्मा सरस्वती को माता पिता मानती है, तो ब्रह्मा सरस्वती ज्ञान के अंधे थे, एडवांस ज्ञान के अंधे थे या सोधरे थे? अंधे थे, उनको कंधे पर रख करके सारी दुनिया घुमाई थी। और
अच्छा आप ब्रह्मा बाबा बन गए प्रहलाद भाई बाबा प्रश्न थोड़ा हैवी है। अच्छा अच्छा उनका ये कहना है कि जिस प्रकार से राम वाली आत्मा ने 6 साल पुरुषार्थ किया और आज के बाबा के रूप में कार्य कर रही है तो क्या अगले कल्प में हम इतना पुरुषार्थ करके उसको पा सकते हैं क्या? बाबा ने तो ये बोला है बनी बनाई बन रही अब कछु बननी ना है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 63 जन्म जिसने जैसे जैसे कर्म किए हैं उन कर्मों के अनुसार बनी बनाई बन रही अब कुछ बनने वाली नहीं है। माना 63 जन्मों में जिसने विधर्मियों का लगातार विरोध किया है सामना किया है अकेला होकर के भी सामना किया सारी दुनिया भले सुसुन बन जाए तो भी मुकाबला किया तो ऐसी निष्ठा अगर शिव के प्रति निराकार के प्रति किसी की आदि से अंत तक जुटी रही है तो उस आत्मा के प्रति शिव पहले आकर्षित होगा या किसी दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाएगा? उसी के प्रति आकर्षित होगा। और ये भी बोला है गॉड इज वन तो गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। ऐसे नहीं कि गॉड के 2 बच्चे हैं। गॉड निराकार है तो गॉड का अप्पल नंबर निराकार पहली स्टेज में धारण करने वाला बच्चा भी एक ही है। इसलिए एक ही शंकर है जो देवताओं में बड़ा माना जाता है। बड़ा बच्चा बाप समान होता है और उसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। इसलिए कोई दूसरी आत्मा अगले कल्प में पुरुषार्थ करके आगे बढ़ जाए तो फिर हूबहू रिपीटिशन होने वाली बात झूठी हो जाती है सच्ची हो जाएगी झूठी हो जाती है। और अपने बच्चे के लिए राजी मांग लिया है तो कौन सी औरतों का काम होता है जिनकी दृष्टि कई कई के ऊपर जाती है तो उनका नाम कई कई होता है। वो अपने कुल की परवाह थोड़े ही करती है कि कुल की कान बची रहे उन्हें स्वार्थ ज्यादा याद आएगा या परमार्थ ज्यादा याद आएगा? स्वार्थ ज्यादा याद निराकार राम तो शिव है। निराकार राम तो शिव है और साकार राम पुरुषोत्तम। निराकार राम शिव है तो निराकार राम कहा गया है तो साकार राम में प्रवेश करता है। अरे जो निराकार है उसका नाम राम नहीं है उसका एक ही नाम है उसकी बिंदी का नाम शिव है। उसका नाम कभी बदलता नहीं है। मेरा नाम तो शिव ही है और वो मेरी बिंदी का नाम है। बिंदी जब तक शरीर धारण न करे तब तक कोई कर्म नहीं कर सकती। इसलिए बिंदी को शिव कहेंगे और शिव को राम नहीं कहेंगे। शास्त्रों में जैसे एक नाम आया है परशुराम। शास्त्रों में तो अगड़म बगड़म जाने क्या क्या आया है। उन्होंने राम को भी भगवान कह दिया परशुराम को भी भगवान कह दिया। परशुराम को 4 कला संपूर्ण कर दिया कृष्ण को 16 कला संपूर्ण कर दिया राम को 14 कला संपूर्ण कर दिया। कोई तुकबंदी ही नहीं। और जो कलाहीन कलयुग में होते हैं उनका नाम कलंकी धर रख दिया वो भी भगवान हो गया। शास्त्रों की बात हम क्यों उठाएं? और
महादेव की अर्धांगनी पार्वती नहीं है इसका एक वाणी में बोला है महादेव की अर्धांगनी पार्वती नहीं है इसका क्या है महादेवी महादेव की अर्धांगिनी पार्वती नहीं है महादेव की अर्धांगिनी पार्वती नहीं है महादेव है तो महादेवी है अगर महादेव नहीं है तो महादेवी भी नहीं है महादेव शंकर को कहा जाता है महा माने बड़ा महा माने बड़ा बड़ा थे बड़ा देवता तो महादेव हुआ शंकर और उनकी अर्धांगिनी हुई महादेवी लेकिन जब पार्वती नाम दिया जाएगा जो पार लगाने वाली है तो पार लगाने वाली कोई ब्रह्मा कुमारी है या पहले से अर्धांगिनी है वो तो ब्रह्मा कुमारी है तो पार्वती को शंकर की युगल थोड़े ही कहेंगे कहेंगे क्या नहीं कहेंगे शंकर और पार्वती ये आपस में ब्राह्मण है भाई बहन है ये अर्धांगिनी है भाई बहन है और माँ का टाइटल मिला वो टाइटल टाइटल की जगह होता है माँ वास्तव में है कौन उसका नाम क्या है वो सिर्फ उसकी माँ है या सारे जगत की माँ है वो तो सारे जगत की माँ है जो सारे जगत की माँ है वो भारत माता नहीं हो सकती क्योंकि सारे जगत में क्रिश्चियंस भी हैं मुसलमान भी हैं राक्षस भी हैं दैत्य भी हैं सब कोई है उन सब की अम्मा है नीचों की भी अम्मा है और ऊंचों की भी अम्मा है उसका खून ही अलग संघ का रंग ही अलग इसलिए बोला जगदम्बा महाकाली का पार्ट बजाती बंगी चोर डकैत भी उसकी पूजा करते हैं लेकिन पार्वती की पूजा नीच कुल के लोग नहीं करते और बाबा ने कहा कि बाबा ने हाथ की पढ़ाई को डबली पढ़ाई क्यों कहा हद की पढ़ाई को जो डबली पढ़ाई इसलिए बोला है कि हद की पढ़ाइयाँ जो आज पढ़ाई जा रही है स्कूलों में खास करके भारत में वो विदेशी पढ़ाइयाँ हैं या स्वदेश की पुरानी परंपराएं हैं सारी विदेशी पढ़ाइयाँ आ चुकी हैं और उन विदेशी पढ़ाइयों में जो बच्चे पढ़ाई पढ़ करके निकलते हैं वो यार प्यार को महत्व देते हैं या भारतीय पुरानी परंपरा को महत्व देते हैं कि माँ बाप जहाँ हमको अर्पण करेंगे वहाँ हम अर्पण होकर के सारा जीवन रहेंगे जय जीवन का लक्ष्य विदेशी बन जाता है या स्वदेशी बन जाता है विदेशी बन जाता है इसलिए डबली पढ़ाई पढ़ी क्योंकि विदेशों में तो ये बुरा नहीं माना जाता कि कन्या या कोई पुरुष है वो अनेक शादियां करे अनेक बार तलाक दे डाइवोर्स दे उसको बुरा नहीं मानते बहुत अच्छा है सुख शांति से रहो जब तक जियो सुख से जियो किसी को दुख होता है किसी को सुख होता है इससे कोई मतलब नहीं अपने सुख से काम किसी की आत्मा को ठेस पहुंचती है इससे कुछ भी लेना देना नहीं और दूसरे देश जो है भावना प्रधान देश नहीं है कुत्ते में कहें कि भावना होती है कुत्ते में क्या भावना होगी इसलिए बताया कि भारत की जो पढ़ाई है वो डबली पढ़ाई है कुत्ता और कुतिया बनाने वाली पढ़ाई है वैसे भी भारत में जो आज पढ़ाई जा रही है वो राजा बनने वाली पढ़ाई पढ़ाई जा रही है लक्ष्मी नारायण बनने वाली पढ़ाई पढ़ाई जा रही है या दास दासी बनने की पढ़ाई पढ़ाई जा रही है दास दासी माने नौकर सर्विस करने वाला
कौन सी पढ़ाई पढ़ाई जाती है? नौकर बनने की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। सब बड़े खुशी से कहते हैं हम पढ़ाई पढ़ के क्या बनेंगे? नौकरी करेंगे। अरे बड़े से बड़े ऑफिसर भी बनेंगे तो भी कोई मिनिस्टर के अंडर में काम करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा। तो दासदासी हुआ ना। और भारत की पढ़ाई क्या है? भारत की प्राचीन परंपरा की पढ़ाई क्या है जो भगवान ने पढ़ाई थी? बच्चे मैं तुमको ये पढ़ाई पढ़ा करके राजा बनाता हूँ। राजा किसी के अधीन नहीं होता। जो अधीन होते हैं वो राजयोग नहीं सीखते। और भक्ति मार्ग में दिखाया है कि श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी के साथ हुआ और राधा का विवाह श्री कृष्ण के साथ नहीं हुआ, मगर गायन तो राधे कृष्ण का है। अरे विवाह की जो परंपरा है वो भगवान आकर के तोड़ देते हैं या उसको कायबिज रखते हैं? क्यों? ये शादी नाम की परंपरा संस्था ही खराब है। ये शादी कराई इसलिए जाती है कि मनुष्य विकारों में गोते खाए। इसलिए भक्ति मार्ग में जो राधा को शादी दिखाई है वो शादी होने के बावजूद भी वो निर्विकारी रही या विकारी बन के रही? तो कन्या रही या शादीशुदा हुई? राधा को माता कहेंगे या कन्या कहेंगे? वास्तविकता क्या थी? कन्या थी। इसलिए शादी की परिभाषा बाबा ने बदल दी। शादी की परिभाषा बदल करके बना दी शादी, माना क्या? विकार में जाना माना शादी। कोई भी कन्या है कोई भी कुमार है बस शादी नहीं करता, परंतु अगर विकार में गया तो क्या कहेंगे? शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है? शादीशुदा। ढोल मदिरा बजाने को शादी कहा जाता है क्या? है? वह बोला है कि विनाश के टाइम पर हरण वो अपना साइकिल पूरा करता है जहाँ से उसने शुरू किया है, तो जो जम्बू दीप बचता है वो अपना साइकिल कैसे पूरा करता है? एक प्रश्न सामने आया, उसके बाद प्रश्न आया कि दुनिया का हर अणु अणु अपना साइकिल पूरा करता है, तो विनाश होने के बाद जो जम्बू द्वीप बचता है उसका साइकिल कैसे पूरा हुआ? वास्तव में जम्बू द्वीप कोई अभी है नहीं जो बचेगा। अभी है जम्बू द्वीप दुनिया में क्या? नहीं, कुछ नहीं बचेगा। जो माउंट आबू का पहाड़ है, जो ग्रेनाइट के बड़े पत्थर का बना हुआ है, वो भी खलास हो जाएगा। 2036 में जब बड़े बड़े भूकंप आवेंगे तो वो भी खलास हो जाएगा। इतना बड़ा भूकंप आवेगा कि वो भी गर्त में समा जाएगा। अरे चंद्रमा जैसा उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है वो ही पृथ्वी में मिक्स हो जाएगा। तो जम्बू द्वीप की तो बात ही क्या। इस दुनिया में जो कुछ भी है पुराना, जो कुछ इन आंखों से देखा जा रहा है, वो सब क्या होने वाला है? भस्म होने वाला है। बाबा ने कहा है कि जमीन खरीदो माउंट आबू में जाके, ब्राह्मण लोग खरीदो। तुम्हें 36 तक जिंदा रहने की आस है या पहले ही मर जाना है? आस है ना। आस है या नहीं? आस है ना। आस है, तो अगर आस है तो माउंट आबू का जो पहाड़ है जहाँ आदि से लेकर के अंत तक तपस्या का प्रभाव बना रहेगा, सारी दुनिया में हलचल होती रहेगी और वहाँ वो पहाड़ अंत तक अचल रहेगा। अचल माने ही पहाड़, अडोल।
तो बाबा जो ब्राह्मण बच्ची हैं जो पैसा वाले हैं वो तो खरीद रहे हैं फिलहाल, तो पैसे ही वालों के लिए बोला है जिनको समस्या ये सामने है, कितना पैसा हमारे पास है, कंपनियां सारी फेल होती जा रही है, जो शेयर मार्केट है सब डूबते जा रही है, बैंकों का भी कोई ठिकाना नहीं है, आज चल रही है कल पता नहीं उनका क्या हाल हो, बड़े जबड़े जो कारखाने हैं वो सब ठप होते जा रहे हैं। मुरली में बाबा ने बोला सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। तो जब बैंकिंग का धंधा ही चौपट होने वाला है, इंश्योरेंस कंपनियां ही खलास होने वाली हैं, तो जिनके पास बहुत पैसा बहुत प्रॉपर्टी है वो क्या करें, कहां ले जाके डालें? तो कम से कम जब तक जिंदा रहने की खातरी है तो पुराने शरीर की, तो जहां खातरी है वहां तो डाल सकते हैं, क्योंकि मुरली में पहले से ही बोला हुआ है ये सारा वो खरीद करना पड़ेगा, सब बच्चे आकर के यहां ठहर सकेंगे, सारी दुनिया का विनाश तुम बच्चे यहां माउंट आबू से देखेंगे बैठे बैठे। तो सही बात लगती हो तो करो, नहीं लगती हो तो ना करो। बाबा लगती तो है लेकिन पैसा नहीं है जिस बात तो जिनको नहीं है तो अपनी रोटी दाल खाएं, इसको जरूरी है पैसा जमा करना है प्रॉपर्टी रखने के लिए, तो बाबा ने वैसे ही मना कर दिया नहीं प्लाट खरीदने के लिए, फिर वही प्लाट ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेंगी, तेते पाँव पसारिए जेती लांबी पौर, घर में नहीं है दाने और अम्मा चली क्या बुनाने। बाबा जो खरीद लेंगे जो बच्चे खरीद रहे हैं जिनके पास पैसे हैं तो खरीद सोने अरे तो पैसा बैंकों में बर्बाद हो जाए, पैसा जमीन में खोद करके गाड़ दें और भूकंप आए इधर उधर हो जाए, पैसे को सोना बना के घर में रखें और चोर लुटेरे लेट लूट ले जाएं, उससे तो अच्छा है कि कम से कम हम किसी काम में नहीं ला सकेंगे तो माउंट आबू के ईश्वरीय तारी में तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। क्या परमधाम बचेगा, सूक्ष्म वतन बचेगा और साकार वतन बचेगा, सुख धाम बचेगा, शांति धाम बचेगा, तो क्या सूक्ष्म वतन कुछ होता ही नहीं, और ये इतने सब मरेंगे अकाले मौत में, भूकंप आएंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिरेंगी, जिन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में करोड़ों की तादाद में लोग रहे पड़े हैं आज की दुनिया में मल्टी स्टोरीज में, वो शरीर अचानक छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे हैं? हाँ सूक्ष्म शरीर में रहेंगे ना, तो जो सूक्ष्म शरीर धारण करेंगे वही सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म सूक्ष्म वतन है उनका, और क्या। और विष्णु को शेषता लेते हुए विष्णु को विषम पिता, विष्णु को नहीं विषम पिता को क्या लेते हुए बाणों की शेषता लेते हुए दिखाई। हाँ जी हाँ जी, तो क्या रहे हैं सही पूछ रही है। अरे बाण कौन से? ज्ञान, ज्ञान के बाण है, ज्ञान के बाण जब लगते हैं तो आत्मा घायल हो जाती है, कहते ना ये तो ऐसी तीखी बातें करता है कि घाव लगते हैं। तो सन्यासियों ने दुष्कर्म भी तो बहुत किए हैं, भगवान बन करके भी तो बहुत बैठे हैं, शिवो हम बन के बैठे हैं कि जन्म जन्मांतर नहीं, तो जो जन्म जन्मांतर भगवान बन करके बैठे हैं और अभी भी वही बात रिपीट करते जा रहे हैं शिवो हम आत्मा सो परमात्मा, तो उनको अंत में बाण नहीं लगेंगे? ऐसे ऐसे छोटी छोटी बच्चियां बाण मारेंगी, कन्याएं बाण मारेंगी कि उनका जवाब उनके पास नहीं आएगा। बाकी वो स्थूल बाणों की सैया नहीं होती है जिन सैकड़ों बाणों के ऊपर आर पार हो जाए बाण शरीर में
और 6 महीने तक आदमी पड़ा रहे, क्या उनमें से खून रिस रिस करके कीड़े नहीं पड़ जाएंगे? बाबा को तो गंगा के पुत्र थे ना, तो गंगा के पुत्र पे तो क्या हुआ, दंगा नहीं किया था? बाबा जी गंगा जो बेटी है वो सात आठ पुत्र बहा दिए थे, क्यों एक ही घंटा लाख। हर धर्म में, हर धर्म वाले धर्म पिता ने, हर धर्म ने किसको फॉलो किया है? हर धर्म के दो छेड़े हुए, जैसे इस्लाम धर्म के दो छेड़े हो गए, इस्लाम धर्म और मोहम्मद का मुस्लिम धर्म, क्राइस्ट का क्रिश्चियन धर्म, दो छेड़े हो गए, एक बाइबल को मानने वाला, गिरजाघर को मानने वाला और एक न मानने वाला। बौद्ध धर्म के दो छेड़े हो गए, हीनयान और महायान। ऐसे ही हर धर्म पिता ने परम पिता को ही फॉलो किया है। उन फॉलो करने वालों में, विदर्भियों में सबसे जास्ती अच्छा फॉलो करने वाला संन्यास धर्म ही है। जैसे सनातन धर्म की जब स्थापना होती है तो कृष्ण वाली आत्मा बाद में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेती है, उससे पहले सात नारायण प्रत्यक्ष हो जाते हैं, प्रत्यक्षता रूपी जन्म ले लेते हैं। वो सात नारायण ही कृष्ण थे, कृष्ण जैसे बच्चे थे, सात कृष्ण जैसे बच्चों को कंस ने क्या किया, मार डाला, विकारों की जेल में ढकेल दिया, हत्या कर दी। ऐसे ही संन्यास धर्म में ये बात दिखाई गई है। आठवां बच्चा भीष्म पितामह पैदा हुआ और उससे पहले सात जो थे वो देवता थे, कम कलाओं वाले, जैसे कंस की जेल में कोस लिए गए, खलास हो गए। लास्ट में एक भीष्म पितामह बचा, बाकी पहले के जो सात हैं उनकी इतना यश और गायन नहीं है जितना भीष्म पितामह का गायन है। वो सारे ही सन्यासी हैं। वो सन्यासियों का जो शरण स्थली है वो गंगा का किनारा है। आज भी गंगा के किनारे सन्यासी जैसे चौकड़ी लगा के बैठते हैं, ऐसे और कहीं कोई नदी के किनारे इतने नहीं दिखाई पड़ते। और शिखंडी का जो पाठ है उसको शिखंडी के पाठ की जो यादगार है महाभारत में, हाँ, संगत उसमें कैसे करते हैं? क्यों, शिखंडी का पहले नाम क्या था? जब उसने प्रतिज्ञा ली कि हम भीष्म पितामहों को मारेंगे, इनकी मृत्यु के कारण हम बनेंगे, तो उसका रूप कौन सा था? अरे स्त्री रूप था, स्त्री नहीं कन्या का रूप था। वो कन्या का नाम क्या था? अरे वहां भी तीन देवियां दिखाई गई हैं, अम्बा, अम्बालिका, अंबिका। अंबिका पार्वती को कहते हैं, अम्बालिका अम्बा की बालिका सरस्वती को कहते हैं, ओमराधे को। अम्बा, अम्बालिका, अंबिका, तो अम्बा कौन हुई? जगदम्बा। रुद्रमाला का अव्वल नंबर मणका है या नहीं है? है। तो रुद्रमाला का मणका जो है वो स्त्री चोले में है या पुरुष चोले में है? है स्त्री चोले में। तो नारी से लक्ष्मी बनेगा या नहीं बनेगा? है नहीं बनेगा। जगदम्बा जो जगत की माता है, भारत माता नहीं है।
जो जगत की माताएं हैं और जो भारत की माताएं हैं उनमें पवित्रता अपवित्रता का अंतर है। जो जगत माताएं हैं जिन बच्चियों को पैदा करेंगी वो बच्चियां भी जगत माता जैसी क्वालिटी की होंगी या भारत माता जैसी क्वालिटी की होंगी। भारत माता के लिए बोला हुआ है, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। तो जगदम्बा तो महाकाली का पाठ बजाती है, महाकाली जो बड़े बड़े आसुर हैं दुनिया के राक्षसी स्वभाव वाले उनका अंत करने वाली है, विविचार दोष को नष्ट करने वाली है। इसलिए जगदम्बा ही अम्बा है। बड़े बड़े भीष्म पितामहों को चाहे वो बेसिक पायटी के हो चाहे वो एडवांस पायटी के हो और चाहे वो दुनिया भी हो उनकी ओर से अर्जुन बाण मारता है। इस अर्जुन के रथ में परमात्मा शिव प्रवेश करते हैं, कन्या माताओं को बाप आगे करते हैं। तो जब बाप ही बच्चियों को आगे बढ़ाता है तो बाप का बड़ा कहने वाला बच्चा वो बच्चियों को आगे नहीं बढ़ाएगा। आगे कन्याएं माताएं रहती हैं और पीछे से बाण मारता है अर्जुन। और बाबा करण गुरु सूर्य की पूजा करते हुए बताया भक्ति मार्ग में हो, ज्ञान मार्ग में नहीं आता कभी। ज्ञान मार्ग में नहीं आता कभी, मतलब ज्ञान में नहीं चला। क्यों, उसने गुरु को नहीं माना क्या? सूर्य की पूजा करते हुए बताया भक्ति मार्ग, सूर्य की पूजा करते हुए बताया थे परशुराम को, चार चार गला वाले को क्यों गुरु बनाया? क्योंकि उसके अंदर हीन भावना आ गई। पैदाइश तो सूर्य की थी लेकिन परवरिश कहाँ हुई है? दास पुत्र हुआ, दास दासियों के यहाँ पालना ली, इसलिए मेंटेलिटी खराब हो गई। ऐसी मेंटेलिटी खराब हुई जो सती द्रौपदी है, अग्नि से उत्पन्न होने वाली है, जो ज्ञान अग्नि और योग अग्नि के कुंड से पैदा होती है कंपिला में। कोई स्थूल कुंड से पैदा नहीं हुई थी, यज्ञ कुंड से। ऐसी सती साध्वी द्रौपदी को भी भरी सभा में वैश्या कहा और उससे भी नीचे शब्द बोले। तो नीच कर्म करना, नीच भाषा बोलना, ये नीचों का काम है या उच्च कुल वालों का काम है? नीचों का काम है। हम कभी भी किसी को भी परिस्थिति में ज्ञान सुना सकते हैं? हम कभी भी किसी को भी किसी भी परिस्थिति में ज्ञान सुना सकते हैं? कुछ नियम बनाए हुए हैं, पुरुषों को पुरुष ज्ञान सुनावे, कन्याओं माताओं को कन्याएं माताएं ज्ञान सुनावे, क्योंकि पुरुषों को सबको दुर्योधन दुशासन बोला है। वो दुर्योधन दुशासन वृत्ति किए बगैर चूकते नहीं है और उन्होंने अगर ज्ञान सुनाना शुरू किया और उस वृत्ति में आ गए तो नुकसान किसका होगा? दोनों का होगा या एक का नुकसान होगा? दोनों का नुकसान हो जाएगा। तो पुरुष को भी पहचान कर सकते हैं, ये सुनने लायक है, ये सुनने लायक नहीं। पुरुष कोई भी कैसा भी हो, पुरुष पुरुषों को ज्ञान सुनाए कोई अर्जा नहीं। उसकी पहचान नहीं कर सकते कि सुनने लायक है कि नहीं है। हमारे कुल का होगा तो थोड़ा भी सुनेगा तो खींचा हुआ चला आवेगा, ये पहचान हो गई। शुरू शुरुआत में तो सभी निंदा करते हैं, जब पहचान नहीं है तो निंदा ही करेगा। और वो भी जब हम डायरेक्ट ये बतावेंगे कि भगवान आया हुआ है तो निंदा करेगा ना। तुम बाहर के गुरुओं को कहते हो कि वो आसुर है, हिरण्यकश्यप है, और तुम खुद कहते हो भगवान साकार में आया हुआ है, तो मान लेगा क्या? सुनाने की युक्ति चाहिए,
ज्ञान भी इस तरह सुनाना चाहिए जो सुनने वाले को खुशी आ जाए, क्रोध आ जाए, वो ज्ञान का बीजारोपण नहीं है, अज्ञान का बीजारोपण है। हाँ जी, कभी कभी जरा सी भी मेहनत नहीं करते और अवस्था बहुत अच्छी बन जाती है। हाँ जी, बहुत मेहनत करने पर भी अवस्था नहीं बन पाती। हाँ जी, तो एक रस अवस्था बनाने के लिए मुख्य साधन क्या है? इस प्रश्न का जवाब कई बार दिया जा चुका है, फिर भी सुन लिए। बताया है कि ये रील घूम रही है त्रेसठ जन्मों की, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना है। त्रेसठ जन्मों में पाप भी किए हैं, कभी पुण्य भी किए हैं। तो जब पुण्यों की रील घूमती है, पुण्यों का खाता खुलता है, तो न चाहते हुए भी अवस्था अच्छी बन जाती है। पुरुषार्थ विशेष न करने पर भी अच्छी अवस्था बनती है। और जब पाप कर्मों का खाता खुलता है या रील चालू होती है, तो कितना भी पुरुषार्थ करें, कितनी भी मेहनत करें, कितना भी सत्संग करें, तो भी अवस्था नहीं बनती है। इसलिए ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए सदैव, तो एक रस अवस्था रहेगी। जिसकी बुद्धि में ज्ञान टिकता नहीं है, उसकी एक रस अवस्था भी नहीं रह सकती। और ज्ञान को टिकाने का मूल साधन है प्योरिटी। जितना हम दृष्टि को पवित्र बनाएंगे, जितना वाचा को पवित्र बनाएंगे, जितना अपनी कर्मेंद्रियों को पवित्र बनाएंगे, विविचारी नहीं बनाएंगे, उतना हमारी बुद्धि सालिम बनी रहेगी। और बाबा शिव ने निराकार और शंकर ने साकार, शंकर साकार किसने कहा? किसी मुरली में कहा कि शंकर साकार है? शंकर तो विग्रह बनाते हैं ना, श्रीधारी और शंकर। विग्रह बनाने वाले जो हैं, वो ये जानते हैं कि शंकर साकार है, आकार है या निराकार है। ये तो बाबा ने हमको बताया है कि राम वाली आत्मा दूसरा जन्म लेकर के जब से ज्ञान में आती है, तब से ही वो आकारी स्टेज धारण कर लेती है, अव्यक्त स्टेज हो जाती है। साकारी दुनिया जैसे आप हुए, मर गई दुनिया, इस दुनिया से कुछ भी लेना देना नहीं, आकारी स्टेज हो जाती है, मनन चिंतन मंथन की स्टेज हो जाती है। सोचना है तो नई दुनिया के बारे में सोचना है, करना है तो ईश्वरीय सेवा करना है, दूसरा कोई कर्म नहीं करना है। लौकिक धंधा भी है तो उसको अलौकिक में पलट देना है। अब रोज वाणी तो सुनो, कितनी बार ये बात बताई गई है, शिव शंकर को भक्ति मार्ग में एक इसलिए कर दिया गया है कि शिव ने, शिव और शंकर ने शिव की स्टेज को पहले पहले प्राप्त कर लिया और दूसरों ने उस निराकारी स्टेज को प्राप्त नहीं कर पाया। अरे कम से कम इतना तो घुमाए, सच उदयता तो आप संगमय, सच उदयता तो आप संगमय, इतना तो करें। छोटा बच्चा होता है, उसको प्राइमरी स्कूल में बैठाया जाता है, तो कम से कम रटना सीखता है कि नहीं? कितनी बार रखता है? अरे बेसिक पढ़ाई का फाउंडेशन ही पक्का नहीं होगा तो ऊपर की पढ़ाई कैसे करेंगे? थोड़े समय बाद तो दूसरे संकल्प आते हैं ना, दूसरे संकल्प आते हैं तो उनको भगाओ। ये तो प्रैक्टिस है, अभ्यास है, तो कौन से वैराग्य से गई थे। ये दुनिया खलास होने वाली है, अब बाबा की याद ही हमारा सब कुछ कार्य करेगी। बाबा हमसे सारी सेवा कराएगा, इसलिए बाबा की याद में रहना है।
और सब छोड़ सब ताजे हर भाज नहीं याद में रहो लेकिन कोई कोई की भी याद कर लो हाँ जो ब्रह्मा का मुख देखे सोई शिव बाबा का मुख देखे ठीक है तो ये ब्रह्मा का मुख देखने की बात कैसे कैसे क्यों बोला इनकी तरफ देखना भी नहीं है ब्रह्मा की तरफ देखना भी नहीं है माना और फिर एक पॉइंट ये जिस समय बोला है उस समय की बात है ये अभी ब्रह्मा मौजूद है जहाँ बोला है वहाँ इसकी तरफ ऐसे इशारा किया है इसे ब्रह्मा का चित्र नहीं रखना है इसको याद करेंगे तो सचित हो पड़ेंगे ये कहीं कहा उस ब्रह्मा का चित्र नहीं रखना है ऐसे बोला तो ये जो पॉइंट है कि ब्रह्मा का जो मुख देखे तो शिव बाबा का मुख इतना एक ही ब्रह्मा है या चार पांच ब्रह्म है ये नेक्स्ट पर्सनालिटी के लिए बात है आगे आने वाले पार्ट के लिए हाँ जी भविष्य का जो पार्ट है वो आदि ब्रह्मा का है जो आदि में है तो अंत में भी है ब्रह्मा का पार्ट स्थापना के कार्य में अंत तक नुदा हुआ है जब तक ब्रह्मा है तब तक पार्ट बजावेंगे हजार भुजा का ब्रह्मा का पार्ट ड्रामा में नुदा हुआ है भुजाएं चलाने वाले के बगैर काम नहीं कर सकती तो ब्रह्मा है प्रैक्टिकल में तो ब्रह्मा कुमार कुमारी है इसलिए उन ब्राह्मणों से पूछो तुम अपन को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है वो कहेंगे सूक्ष्म बतन में तो तुमको तुम भी सूक्ष्म बतन में चले जाओ यहाँ क्यों बैठे हो कहते हाँ जाएंगे जल्दी जल्दी पुरसाद कर रहे हैं हम भी चले जाएं तो तुम अपने को ब्राह्मण कह सकते हो तुम्हारा ब्रह्मा भी यहाँ मौजूद है तुम हो पक्के ब्राह्मण एक ब्रह्मा नहीं है ब्रह्मा तो अनेकों के नाम है परंतु प्रजापिता ब्रह्मा सिर्फ एक का ही नाम है प्रजापिता ब्रह्मा को कहा है नेक्स्ट टू शिव ब्रह्मा को नेक्स्ट टू शिव नहीं कहा है नेक्स्ट टू शिव इज प्रजापिता नेक्स्ट टू शिव इज कृष्ण नेक्स्ट टू शिव इज विष्णु नारायण नेक्स्ट टू शिव इज शंकर का मतलब ये नहीं कि चार चार नेक्स्ट टू शिव हैं चारों ही एक ही स्वरूप है जो टाइम टू टाइम अपने नाम के आधार पर काम करते हैं ठीक है बच्चों को अपनी कर्मेंद्रियों को याद कैसे बनाए खुला छोड़ दे थोड़े टाइम स्वतंत्रता भी तो दे स्वतंत्र रहो स्वतंत्र रहने दो हैं बाबा भी तो कहते हैं स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो खुद भी स्वतंत्र रहो और कर्मेंद्रियों को भी खुला छोड़ दो लेकिन कर्मेंद्रियां आत्मा से कनेक्टेड है आत्मा से कनेक्टेड है या स्वतंत्र है आत्मा से कनेक्टेड है और आत्माएं आत्माएं आपस में स्वतंत्र हैं या एक दूसरे से कनेक्टेड हैं कनेक्टेड है कनेक्टेड ही रहेंगी हैं स्वतंत्र हैं इसलिए आत्मा को आत्मा के लिए स्वतंत्रता देनी है ये नहीं मेरी पत्नी है तो मैं इसे आपे अपने कंट्रोल में रखूं नहीं पत्नी है तो भी आत्मा आत्मा भाई भाई है वो जैसा पुरुषार्थ करेगी खुद पाएगी मैं जैसा पुरुषार्थ करूंगा मैं पाऊंगा तो आत्मा को स्वतंत्र रखना है लेकिन कर्मेंद्रियां तो
आत्मा से कनेक्टेड है। हर एक आत्मा की अपनी अपनी कर्मेंद्रियां जब तक इस साकार शरीर में है तब तक कनेक्टेड है, चाहे सूक्ष्म शरीर में हो चाहे स्थूल शरीर में हो, और कनेक्टेड है तो उनको कंट्रोल में रखना है। पहले हमारा राज्य ये है, ये शरीर रूपी राज्य है, इसमें आत्मा राजा है, कर्मेंद्रियां हमारी प्रजा है। नंबर बार कोई ज्ञानेंद्रियों के रूप में है, महामात्य है, कोई सेनापति है, कोई छोटे छोटे अधिकारी है, कोई बड़े अधिकारी है, लेकिन ये सब हमारी प्रजा है। यहाँ हम जितना इनको कंट्रोल करते हैं, कंट्रोलिंग का अभ्यास करते हैं, उतने वहां जाकर के बड़े राजा बनेंगे और यहाँ भी बनेंगे। पांच क्या बताए? हाँ जी, अरे पांच पांडव ही अभी तक नहीं आए। बेसिक में कितने साल चले हैं? बेसिक ज्ञान में चलते पांच पांडवों का भी नाम नहीं बताया है? एडवांस में भी आ गए और पांच पांडवों का नाम ही नहीं पता चला। अभी बेसिक कोर्स और एडवांस कोर्स दोबारा ले लो, नहीं तो वही पुरानी पुरानी बातें पूछते रहोगे। और अलौकिक परिवार है सोने की जरूरत, की ज़्यादा कीमती होती है। ठीक है, जाएंगे सोने की जंजीर बेच दो है? इसको बेच दे, जो खरीदता हो उसको बेच दो। कोई खरीदार आया कि नहीं? खरीदार आया हुआ है? अरे बोलो बोलो, खुद ही बोल दो, क्या पंपिंग कर रहे हैं? गीता पाठशाला में ब्रह्मा बाबा की तस्वीर रखना। अरे ये अभी पूछने की बात रह गई है? हाँ तो मुरली क्या कहती है? तो मुरली कभी पढ़ी नहीं, सुनी नहीं, या क्लेरिफिकेशन नहीं सुना? तो कोई बात नहीं, जो जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। बार बार तो देखने में आती है, दूसरों को नहीं देखना है। हम अपने घर में उस चित्र को जो हमारी अवस्था को खराब करने वाला है उस चित्र को निकाल दें। मुरली में जो बोला है ब्रह्मा का चित्र नहीं रखना है, समझाने के लिए तो त्रिमूर्ति में है ही, अलग से रखने की कोई दरकार नहीं। कोई सीमत पर चलेंगे, कोई नहीं चलेंगे, चलेंगे वो अपना फायदा करेंगे, नहीं चलेंगे अपना नुकसान करेंगे। कभी इशारा दे सकते हैं मीठी मीठी भाषा में, देवता धर्म के होंगे पक्के तो पक्का पकड़ लेंगे आपके इशारे को, और देवता धर्म के नहीं होंगे मानवीय धर्मों के होंगे तो कहने से पकड़ लेंगे, और वो भी नहीं होंगे छोड़ दो बात को। चलो।